नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अशिम कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि इनसेट 3DR के सैटेलाइट के लूप, जिसको हम एनिमेशन कह रहे हैं, अगर हम उसको देखें, अगर हम मुख्य रूप से इस भाग को देखें, ये देखिए यहाँ पे बादलों का एक समूह जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के रूप में कहेंगे, वो आता हुआ दिख रहा है। तो हम कहेंगे एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 13 दिसंबर की रात से पश्चिम हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना देखी जा रही है। ये रहा उसके कुछ अवशेष जो यहाँ पे एक तरह से क्लाउड के जो अवशेष है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 13 से 15 दिसंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा और बर्फबारी होने की भी संभावना है। अगर हम अगले 5 दिनों के दौरान हालांकि हम बात करें, जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम होने की संभावना देखी जा रही है। आइए चलते हैं दक्षिण प्रायद्वीप की बात करते हैं। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, दक्षिण प्रायद्वीप में बादलों के छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे क्लस्टर दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे हवाओं की जो तीव्रता, यहाँ मुख्य रूप से 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना देखी जा रही है। अब इसको अगर हम मुख्य रूप से हम बात करें इसके जो प्रभाव या इसके कारण, तो बंगाल की खाड़ी से निचले स्तरों पे, खासकर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पे उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव का इसको इसको एक कारण माना जा रहा है, जिससे मुख्य रूप से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा जो ये वाले भाग है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी में छिटपुट हल्की या मध्यम वर्षा या एक तरह से मध्यम वर्षा की गतिविधि की संभावना है। और कराईकल, केरल और माहे में भी अगले 5 दिनों के दौरान छिटपुट वर्षा और हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। आइए हम पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारी वेधशाला में वर्षा दर्ज की गई उसके संख्यात्मक रूप से देखें, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु पुडुचेरी, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, अगर हम बात करें तमिलनाडु के तेनकासी में, आईकुड़ी में 4 सेंटीमीटर, तुतुकुड़ी या तिरुचेंडू में 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। रायलसीमा की बात करें 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में नेल्लूर में 5 सेंटीमीटर और कंडुकर में 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें वर्षा की और थंडर स्टॉर्म की गतिविधियों के बारे में बात करें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में और ज़्यादातर और कुछ जगहों पर, खासकर हम बात करेंगे उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में भी देखने को मिली है। हालांकि आइसोलेटेड प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें तेलंगाना, केरला, इंटीरियर कर्नाटका, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश भी सम्मिलित होंगे। आइए हम, जैसा कि हमने बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ जिसका आगमन आपको लगभग 13 तारीख 13 दिसंबर को देखने को मिल रहा है सैटेलाइट के एनिमेशन से। और अगर हम बात करें इसके जो मुख्य रूप से कारण होने जा रहे हैं, वो होंगे वर्षा और बर्फबारी के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में 13 से 15 दिसंबर के दौरान। हालांकि शेष भारत में जो जो एक तरह से न्यूनतम तापमान वो यथावत रहने वाले, कोई इसमें महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में और मध्य भारत में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि मध्यम दर्जे के कोहरा, जिसको कहते हैं हल्के और मध्यम कोहरे की स्थिति बन रही है उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य में आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हम वार्निंग की बात करें, जैसा कि हमने बताया, देखिए वार्निंग तमिलनाडु के पास, अगर हम बारे 10 तारीख को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में छिटपुट हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती, हालांकि मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क रहने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करिए। स्थानीय जानकारी और हमारी वेबसाइट में भी आप जानकारी ले सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।